महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे पर याचिका दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है और जो कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, उस पर रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ दे रहे हैं वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल सुबह 10:30 बजे दोबारा सुनवाई होगी। बीजेपी का वकील जिस तरीके के आर्गूमेंट्स दे रहे हैं वो टैक्टिक है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त उनको मिल जाए। कभी कहते हैं कि आप असेंबली की, हाउस की इज्जत कीजिए सुप्रीम कोर्ट, कभी कहते हैं इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, कभी कहते हैं 2-3 दिन का टाइम दीजिए हमें जवाब देने के लिए। देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ वक्त चाहिए, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। हमारा कहना है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आपको किस चीज के लिए वक्त चाहिए। जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई कि कोशिश हुई है, इनके पास बहुमत नहीं था उस पर, इसलिए इनको समय नहीं दिया जाना चाहिए और तमाम वो नोटिंग्स भी सुप्रीम कोर्ट को मंगानी चाहिए, चाहे जो गृह मंत्रालय की हैं, कि क्या कारण था, ऐसी कौन सी स्थिति बन गई थी जो कि रात्रि में ही ये सब कुछ करना आवश्यक था। और इस सरकार को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है फडणवीस सरकार को बने रहने का, को समय नहीं दिया जाना चाहिए एमएलएस को अगवा करने का, खरीद फरोख्त का करने का, जो प्रजातंत्र का अपमान होगा। इस पर जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे, शक्ति परीक्षण हो जैसे कि परंपरा है, ताकि प्रजातंत्र को जो चोट पहुंची है उसको ठीक किया जाए। वोट देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजीत पवार जी ने गवर्नर महाराष्ट्र को दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने उन्हें सरकार बनाने को निमंत्रण दिया है, उसे अदालत के सामने कल 10:30 बजे पेश किया जाए। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बाहर और उनके साथ शिवसेना, तीनों के संयुक्त पेटिशन जो कोर्ट में दायर किया है, हमने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि फौरी तौर से एक फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित करने के लिए ऑर्डर किया जाए, ताकि ये साबित हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी द्वारा जो सरकार बनाई गई है वो एक नाजायज सरकार है जिसके पास बहुमत नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो लोग कोर्ट में गए हैं वो तो अपनी बौखलाहट में गए हैं। एक महीना हो गया रिजल्ट आए हुए, कोई सरकार नहीं फॉर्म हो रही है, और एनसीपी के नेता, जो नेता पद पे जो अजीत पवार जी है, उन्होंने ये लेटर दिया तो उनको लीगल राइट है, वो जो चाहे वो जो भी देना है, जिसको समर्थन उन्हीं को देना है, और इसमें 30 तारीख को फ्लोर पे टेस्ट होना है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी बोला है कि आप जवाब दो, तो इसका जवाब तो निश्चित रूप से जिनको, जिनसे मांगा गया है वही देने के अधिकारी है। वी बिलीव दैट वन थिंग हैज कम अप वेरी क्लीन एंड क्लियरली, that Congress, NCP and Shiv Sena's demand has been not accepted by the Honorable Supreme Court. Rather, Shiv Sena, Congress and NCP have fall flat on their face. Time and again before the Supreme Court, Sibal ji, Singhvi ji and all the leading lawyers of Shiv Sena, Congress and NCP was pleading to the Honorable Supreme Court that immediate now, today, the floor test of this government needs to be taken immediately. CP के नेता कह रहे थे कि सारे विधायक हमारे साथ हैं। यदि सारे विधायक उनके साथ हैं, सिवाय 3-4 को छोड़कर, फिर अजीत पवार जी के पास जाकर के मिलने की क्या आवश्यकता है किसी उनके नए निर्वाचित नेता को? ये कहीं न कहीं ये उनके द्वारा ये जो सरकार बन गई है ये टिकेगी, ये एहसास सबको हो गया है, और किसी न किसी प्रकार अभी इस रोमांचक नाटक को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मालूम है एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है और ये सरकार स्थायी सरकार के रूप में सिद्ध होगी, अपनी बहुमत सिद्ध करेगी और 5 साल चलेगी।